किया है तो वहाँ पे ना छुट्टी नहीं मिलती मुझे। मैं अपने पैरों पे खड़ी तो हूँ, साथ में चार लोगों को और लेके चल सकती हूँ। लड़कों को जवाब देने की ऐसी किसी का कहना था कि मतलब औरत ना आदमी के बराबर कभी नहीं चल सकती। जेंट्स होते शराब पीके चलाते गाड़ियाँ और ट्रक भी दो दो लुढ़का देते। स्त्री साथी ये होंडा मोटर्स की एक खास पहल है जिसमें फीमेल्स को कार ड्राइविंग की फ्री ट्रेनिंग दी गई। कंपनी ने 250 महिलाओं को कार ड्राइविंग में परफेक्ट बनाने का टारगेट रखा है। बता दें हाल ही में इस प्रोग्राम का पहला बैच पूरा हुआ जिसमें कुल 18 महिलाओं की ड्राइविंग स्किल्स को निखारा गया। ये होंडा के इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन NSDC और कैडमैन स्किलिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी इन महिला कैब ड्राइवरों को रोजगार भी देगा जिससे ये आत्मनिर्भर बन सकें। सोसाइटी के स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए महिलाएं क्यों कैब ड्राइवर बनना चाहती हैं? जब ये सवाल महिलाओं से पूछा गया तो जवाब कुछ ऐसे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं कि मतलब सबको एक लेवल से रहना चाहिए। उन्होंने खुद अपनी मम्मी को जवाब दिया था तो हस्बैंड ही थे जो मुझे ड्राइविंग लाइन में लाए थे। सर मैंने तो ये फील्ड इंडिपेंडेंट होने के लिए ढूंढा और इससे क्या है कि मतलब मैं अपने पैरों पे खड़ी तो हूँ, साथ में चार लोगों को और लेके चल सकती हूँ। इतना मतलब लोगों के साथ चलने का कॉन्फिडेंस है और अब रोड पे चल रहे हैं तो मतलब और ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लगता है कि हम ऐसा कोई काम नहीं तो हम नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारी कंपनी में काम किया है तो वहाँ पे ना छुट्टी नहीं मिलती मुझे, मतलब सब चीज के लिए ना छुट्टी मांगनी पड़ती है सर से। तो सर मैंने सोचा कि गाड़ी सीख लूँ, अपनी गाड़ी लेके जब मन करेगा छुट्टी कर लूंगी। अभी कहीं जॉब करती थी तो मेरी जॉब वहाँ छूट जाती थी, दिक्कत होती थी। मेरी छोटी बेटी थी, हस्बैंड से अलग रहती हूँ तो मुझे काफी दिक्कतें होती थी। मेरे को ड्राइविंग लाइन इसलिए सही लगी क्योंकि मुझे कहीं दिक्कत कहीं जॉब करने जाओ तो निकाल देती थी मुझे। ड्राइविंग का ये था कि मेरे को खुद आती मैं किसी भी लाइन में चला सकती, कभी किसी कंपनी से जुड़ सकती या किसी मैडम से की गाड़ी चला सकती इसलिए, और मैं अपनी बेटी की भी देख रेख अच्छे से कर सकती। बहुत से ऑप्शन है हमारे पास जॉब करने की, पर ये लाइन इतनी डिफरेंट है कि हमें माइंड सेट किया जाता है बचपन से कि लड़कियों को अलग लड़कों को एक अलग लाइन देनी है। लेकिन ये लाइन ऐसी कि अगर हम इसमें प्रोसेस करेंगे तो हमें देख के और भी लड़के आएंगे। मेरी ये लाइन मेन ड्रीम था ड्राइविंग करने का। हमारे घर के आते सीखने थे घर वाला कोई नहीं था, हम ही थे जो थे। पहले मैंने टू व्हीलर में ड्राइविंग की थी ब्रीजी में, अब मैंने फोर व्हीलर चूज की क्योंकि इसलिए मैं ज़्यादा करना चाहती थी जिससे मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाहती थी। इसलिए लाइन इसलिए चूज की है क्योंकि मुझे घूमना पसंद है तो मैं अपने आप ड्राइव करके जा सकती हूँ और लोगों को भी फैमिली मेम्बर को भी घुमा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ इस लाइन में ना मैं सारे सब चीज़ देखूँ, जब ट्रैवलिंग करूँगी तो उसको भी लेके जाऊँगी तो खुद भी उनके साथ। हमारे पापा ड्राइवर हैं तो मतलब पापा के साथ हम मदद करना चाहते थे अपने पापा की। कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मेरे हस्बैंड ने गई थी स्कूल और स्कूल में गाड़ी चलाते हैं तो उन्होंने कहा एक लेडीज़ को मैंने गाड़ी चलाते हुए देखा है तो मैडम तू भी नहीं सीख सकती सारे में, तो मैं कहने मुझे डर लगता है मुझे साइकिल चलाने नहीं आती, मैं गाड़ी कहाँ चलाऊंगी मैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने क्लास व्लास कर दी वाई ड्राइविंग हमने सॉफ्टली सीखी और प्लस में लड़कों को जवाब देने के लिए क्योंकि ड्राइविंग करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लड़की भी सब ड्राइव करते हैं पर ऐसा लगता है कि हम लड़के ड्राइव क्यों नहीं कर सकते। अभी मेरे घर में कोई ड्राइवर नहीं है, किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, घर में फोर व्हीलर है। लेकिन मुझे हमें जब कहीं जाना पड़ता था अपनी नंद के हस्बैंड को बुलाना पड़ता था, कभी वो आता था कभी नहीं आता था, तो आज मैं खुद अपनी फैमिली को कहीं भी ले जा सकती हूँ। हमें कहीं ऐसी जॉब मिल नहीं सकती सर, तो ब्लू स्मार्ट एक ऐसी कंपनी है कि क्या बोलते हैं वहाँ पर पढ़ाई को लेकर कोई इतना इशू नहीं होता तो इसलिए लड़कियों को जॉब मिल जाती है सर। मैंने तो काम भी किया कंपनियों में तो, लेकिन मुझे वो गाड़ी चलाती थी रोड पर तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब की गाड़ी नहीं है किसी की टक्कर करना हो जाए या बैक करूँ तो मेरे साथ किसी के साथ टक्कर ना हो जाए या किसी को नुकसान हो जाए। और मैं यहाँ भी सुमारे आई कि मेरे सारे डाउट हमने क्लियर करना चाहती थी। मैं तो बहुत पहले से मैं लाइसेंस बनाए लेकिन गाड़ी तो मैं रोड पर चलाती हूँ तो थोड़ा सा मन में डर होता था और इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ और अपना डर निकालने के लिए। और जैसे सर रोड पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चों की बस जो जाती है उनके साथ जो जेंट्स होते हैं शराब पी के चलाते गाड़ियाँ और ट्रक भी दो दो लुढ़का देते हैं, बहुत मैंने देखा है। तो अगर लेडीज आएगी सड़क पर तो सर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे और सबके बच्चे भी सलामत रहेंगे। लोकलिटी ने इन महिलाओं से खास बातचीत की, सभी ने होंडा के इस खास इनिशिएटिव को सराहनीय कदम बताया।
होंडा के इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च करनाल के वाइस प्रेसिडेंट विनय ढींगरा ने कहा कि इस पहल से सोसाइटी में इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिलेगा। करनाल से लोकलिटीन के लिए योगिता महेश्वरी की रिपोर्ट।